हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन वी कैन सी अ कंटेनर विथ 1 kg ऑफ वाटर इज कैप्ट इन द सनलाइट। मास दे रखा है 1 kg, कंटेनर में पानी है बच्चों, एंड विच कॉजेज द वाटर टू गेट वार्मर देन द सराउंडिंग। ठीक है, द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये हमको दे रखा है कितना, 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये सनलाइट ड्यू टू सनलाइट इज इतना, एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। वाटर इसको अब्जॉर्ब कर रहा है इस तरीके से। इन इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी होती है, तो इस इंटेंसिटी को ये अब्जॉर्ब कर रहा है ओवर एन इफेक्टिव एरिया। सरफेस एरिया हमको दे रखा है डेट इज 0.05 m². हीट लॉस फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। तो बच्चों जैसे ही ये अब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर राइज होगा एंड अगेन रेडिएशन होंगे। तो हमसे बोला है कि यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को कंसिडर करते हुए हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हमको वाटर एंड सराउंडिंग के बीच का। सो बच्चों मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है और वाटर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी। सो टेम्परेचर डिफरेंस हम कितना लिख सकते हैं, टी माइनस टी नॉट इस तरीके से। अब बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग की हेल्प से हम जानते हैं जो टेम्परेचर की चेंज होने की रेट है वो होती है के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। और इस के की वैल्यू भी हम लोग याद रिकॉल कर सकते हैं, 4σE8 लिख लेते हैं इसको हम। इस के की वैल्यू क्या होती थी हमारी, 4σEA T0³/mS। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिग्मा क्या था हमारा, स्टीफेंस कांस्टेंट, ई एमिसिविटी, ए सरफेस एरिया, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर, और एम मास, एस स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। सो ये सारे पैरामीटर्स बच्चों हमारे पास थे। अब इन पैरामीटर्स की हेल्प से हम यहाँ पे देख सकते हैं जो dT/dt होगा ये हमारा, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया है बच्चों इसमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, तो डेल्टा टी का एक्सप्रेशन क्या बना देखते हैं। डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं dT/dt/K, और के की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं, ये के की वैल्यू हो जाएगी हमारी। मान लेते हैं बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों इन्फॉर्मेशन में हमको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो इस पर फॉल कर रही है। तो अगर हम इस सिचुएशन को समझें अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड पर, तो हम बोल सकते हैं जो इस पे हीट फॉल करी होगी उसी के कारण तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ होगा। तो ये जो dT/dt है ये टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, क्योंकि सन रेडिएशन इस पे फॉल कर रही हैं। मान लेते हैं dQ रेडिएशन अगर फॉल करी तो हम बोल सकते हैं इन्हीं dQ रेडिएशन की वजह से इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो dQ = mS dT लिख सकते हैं हम, यानी कि dQ/dt को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जो हमारा dT/dt है उसकी वैल्यू हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ dQ/dt, क्योंकि हमको dQ/dt दे रखा है। तो ये हो जाएगा dQ/dt/ms इस तरीके से, ये dT/dt की वैल्यू आ गई। तो इसको रख देते हैं बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो डेल्टा टी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल्टा टी का एक्सप्रेशन बनेगा dQ/dt/ms। ये डेल्टा dT/dt का एक्सप्रेशन बना, और k की वैल्यू भी रख देते हैं 4σEA T0³ अपॉन ms, ऐसे हम इसको रख सकते हैं बच्चों। सो हम देख सकते हैं ms कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा t का एक्सप्रेशन बनेगा dQ/dt एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि ये टर्म हमको दे रखा है dQ/dt, और ये 1/4σE T0³ एक साइड रखते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे हम 4σE T0³ जो है हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी ये रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कैसे रखेंगे, हम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। हमको जो कांस्टेंट हमने माना इसका यहाँ पे यूज देख सकते हैं, 4σEA T0³ है, तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, K×ms/A। इसकी वैल्यू कितनी है, 4σE T0³। तो इसको अगर हम रखें वहाँ पे तो 4σE T0³ ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये उसको लिख सकते हैं dQ/dt पर यूनिट एरिया, और 1/4σE T0³ कितना बना, K×ms/A। K×ms/A इस तरीके से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी K×ms/A की, तो चेक करते हैं वैल्यू कितनी आ रही है हमारी। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों। सो ये हो जाएगा हमारा
हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 700। तो इसको हम इस वाली वैल्यू को 700 रख देते हैं। ये जो वैल्यू है ये 700 है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एरिया हमको सरफेस एरिया इसका लेना है, तो सरफेस एरिया दे रखा है 0.05। तो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻², 0.05 को। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग्स का कांस्टेंट दे रखा है हमको 0.001, मतलब 10⁻³। तो ये 10⁻³ एंड मास इनटू स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट भी दे रखा है 4200। तो इसको हम लिख सकते हैं 4200। सो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस आ चुका है, डेट इज 8.33, क्लोज टू 8.33। तो 8.33 हम चेक कर सकते हैं, 8.33 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।